मैं सेनापति सत्य प्रकाश का बेटा लाल सिंह, तू सत्य प्रकाश का बेटा लाल सिंह है। लाल सिंह तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहां से चला जा, मेरे रास्ते का काटा मत बन। और मैं कहता तू यहां चला जा, तुझे साजे नहीं मालूम है ये नगरी महाराज चित्रसेन की है, वहां हमेशा शांति का वातावरण रहता है। परमात्मा बनने की कोशिश मत कर लाल सिंह, मैं कहता हूं चुपचाप चला जा। मैं भी देखता हूँ तू कौन सा शेर है जो इस लड़की को हमारे होते हुए हाथ लगा के दिखा। नहीं मानेगा, नहीं जाएगा यहाँ से, नहीं जाएगा यहाँ से। खैर कोई बात नहीं लाल सिंह, आज तूने राजकुमारी को बचा कर अपनी मौत को दावत दिया है। लेकिन इतना याद रखना लाल सिंह, कोबरा से दुश्मनी करने का अंजाम मौत है। मौत अंजाम की परवाह लाल सिंह कभी नहीं करता है। जा तो रहा हूं, जाते जाते तुझे एक हिदायत देता जाता हूं। जिंदगी में अगर मैंने तुझे खून के आंसू नहीं मिलाया तो मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। ये मेरी प्रतिज्ञा है और ये मेरी चुनौती भी है। आखिर इस सुनसान जगह पर आप अकेली क्या कर रही थी? अरे डॉक्टर कोबरा आपको कैसे मिल गया? बाबूजी मैं आपसे जरूर बताऊंगी, पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम जानना चाहती हो? मैं सेनापति सत्य प्रकाश का बेटा लाल सिंह। अच्छा, तो बहुत अच्छा हुआ। और तुम्हारा क्या नाम है? आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। मेरा नाम राजकुमारी रेखा है और मेरे पिता चित्र नगरी का एक सम्राट है। मैं उन्हीं की बेटी लाली राजकुमारी रेखा हूँ। आप महाराज की लाली राजकुमारी रेखा है? जी हाँ। राजकुमारी जी आपसे मिलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। अच्छा ठीक है राजकुमारी जी, अब मैं चलता हूँ, आप अपने घर जाइए क्योंकि महाराज आपको बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वैसे मैं आपसे क्या बताऊं, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। आखिर बात मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है, फिर भी मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी। सुनो मेरी बात, कैसे बताऊं तुझे मुझे प्यार है। Touch it.
जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ लाल सिंह, तुम्हें शादी नहीं मालूम है, तुम कहाँ इस राज की राजकुमारी हो, मैं आपकी प्रजा हूँ, कभी जमीन आसमान का मिलन हुआ है? बिल्कुल नहीं, फिर भी मैं देखो तुम्हें अपने दिल जान से चाहती हूँ, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है। सोच लो राजकुमारी, बिल्कुल प्यार के कदम बढ़ाने से पहले इसका अंजाम सोच लो। मैं प्लाट हुआ लाडली बेटी राजकुमारी रखा हूँ, और आप मुझसे कह रहे हैं क्योंकि मैं सोच समझ कर फैसला करती हूँ। हमारा साथ पिच मझधार में छोड़ तो नहीं दोगी? हे लाल सिंह, मैंने कह दिया है कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कसम से, कसम से राजकुमारी जी। सूरत पे तेरी जान मन्नत, क्या दिल निसार हो
ये आ गए जय बाला डीजे, जय बाला डीजे, ये सुन सुनवा उनकी तरफ से 30 रुपया आए हुए हैं, कह जाए चटक के मोहब्बत करो। क्योंकि मेरे पिताजी राजमहल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब मुझे अपने राजमहल में जाना है। देखो जाते जाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम मुझे छेड़ के जा रहे हो ना, हाँ तुम्हारी याद मुझे बहुत आएगी। चाचिया स्वामी जी, मुझे लगता है कि तुम्हारी याद
आओगे ना अवश्य आओगे, लेकिन एक बार स्वामी जी इतना सोचा करो कि मैं रात दिन तुम्हारे हृदया पे तड़पती रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ। स्वामी ओ मेरे पिया धरी अब तू वाचा माता मिलन का भूल न जाना, ओ तेरी याद सताती है सुन सुन आँख में काली काली रख में मिली दिलाती है। ओ कैसी बातें हो रही थी स्वामी जी? मैं आपकी याद में हमारी याद में जी हाँ आप पागल हो गई गिर जो मैं एक बार तो से भरे तू तो मेरी जीवन साथी मेरे और भागनी है। बालाजी बालाजी सारी सेंटर यानी रामनगर रोड बारावत उनकी तरफ से 200 रुपए से तक मैं यहाँ पार्टी करते धन्यवाद स्वामी जी। चेहरे पे तेरी खुशियाँ जो रानी बता रही जो दिल का लुभार जी आगे पारा जी सारी सेंटर रामनगर रोड पारा बन की फिर तक रहिए पंडित जी धन्यवाद। अरे शुभाते हैं जब तुम मेरे घर में घर बना रही है बताओ मैं सुनिए स्वामी जी आने के खुशी में पिया आने के खुशी में पिया और फुलवा महकी रही है इंतजार करते कर इंतजार करते करते सांस से बहक रही है ये आगे जेम बालाजी सेंटर यानी हितकारी सेंटर रामनगर रोड बराबर की उनकी तरफ से फिर 10 रुपए आए हैं पंडित जी से धन्यवाद। इंतजार करते कर तेरा रोग तेरा जन्म तेरी जुबान देखी आज मैं पागल हो गया। लेकिन स्वामी जी सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि मैं आपकी एक बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह तो मम्मी के लिए मैं डैडी। हाँ अरे वाह जब तूने मुझसे वादा किया था वादे की बात याद है जी हाँ लेकिन आप भूल जाते हैं। क्या है बालाजी सारी संडे यानी रामनगर रोड बाराबंकी उनकी तरफ से फिर 10 रुपए आएंगे। एक चाहिए जब आता किया हुआ दिखाना पड़ेगा रोके जमाना चाहे रोके खुदाई पढ़े पढ़िए समझ लो तुमने
जी सर, हमारे बेटा लाल का ही